नमस्कार, मैं मानस मिश्रा और न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय राजनेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको हिलाकर रख देंगी। यहां साहब, आज आपके सामने दिखाने जा रहा हूं कुछ तस्वीरें जो भारतीय राजनीति और भारतीय राजनेताओं में ऐसा कम ही देखने को मिलता, लेकिन ये तस्वीरें ऐसा बहुत कम ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पर ऐसी तस्वीरें हम और आप देखते हैं। तो चलिए लिए चलता हूँ उन तस्वीरों की तरफ। अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक फ़ोन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम लोगों तक पहुंचती हैं। शुरुआत करूंगा, आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, वो तस्वीर देखिए। इसमें लालकृष्ण आडवाणी और सोनिया गांधी नज़र आ रही हैं। इसमें लालकृष्ण आडवाणी को सहारा देती नज़र आ रही हैं सोनिया गांधी। अमूमन भारतीय राजनीति में इस तरह की तस्वीरें बहुत कम आती हैं कि एक राजनेता दूसरे राजनेता को गाली देता है और उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें बहुत कम नज़र आती हैं जहां सोनिया गांधी लालकृष्ण आडवाणी को यहां पर सहारा देती हुई साफ नज़र आ रही हैं। हम दूसरी तस्वीरों की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ तस्वीर में आपके सामने नज़र आ रहे हैं बीजेपी के साक्षी महाराज और सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव। देखिए किस प्रकार से दोनों के बीच में हंसी खुशी से वार्तालाप हो रही है। गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी के बगल में साक्षी महाराज खड़े हुए हैं। ऐसी तस्वीरें इसलिए हमने दिखाने का प्रयास किया क्योंकि भारतीय राजनीति में निगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हमेशा देखी जाती है और लोगों के बीच में सिर्फ मीडिया कटाक्ष दिखाते हैं। कुछ अच्छी चीज़ों को जब होती हैं तो उसको भुला देते हैं। तो तस्वीरें बहुत कुछ आपको अच्छी करने वाले हैं। एक तीसरी तस्वीर नज़र आ रही है जो मध्य प्रदेश की हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर जहां बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के कमलनाथ ऐसा लग रहा है दोनों नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर खुशी से दोनों के चेहरे पर देखिए खिलखिला रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों को इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बार बार क्योंकि तस्वीरें बहुत कम ऐसी तस्वीरें होती हैं जो हमारे और आपके सामने राजनेताओं की आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ तस्वीरों की और। आज ये सब तस्वीरें आपको काफ़ी कुछ ये दिखाएंगी। ये तस्वीर आप पीछे से आप दिखाई पड़ रहे हैं, शायद आप इनको पहचान पा रहे होंगे, लेकिन चलिए बता दे रहा हूँ। इसे देखने पे ऐसा लग रहा है कोई दो घनिष्ठ मित्र हैं जो काफ़ी मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन नाम आप सुनकर हैरान जाएंगे। ये बीजेपी के सुरेश प्रभु हैं, कांग्रेस नेता राजीव कुमार शुक्ला हैं। ये दोनों की मंत्रणा आपको तक, ये संसद भवन के भीतर की तस्वीरें हैं, उसके प्रांगण की तस्वीरें हैं। आगे बढ़ते हैं और एक प्याद एक लाइन में खड़े हुए जया बच्चन अमर सिंह और सपा नेता आजम खान की पत्नी तनेजा फातिमा। राजनीतिक विरोधी किस प्रकार से एक दूसरे से यहाँ मिलते हुए साफ दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ जहाँ महिलाएं खिलखिलाती हुई दिख रही हैं। इसमें एनसीपी प्रमुख सुप्रिया सुले, बीजेपी की मीनाक्षी लेफी और अनुप्रिया पटेल किस प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और यहाँ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें, सुखद तस्वीरें आपको बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, बीजेपी की नेता निर्मला सीतारमण। यहाँ साहब देखिए तस्वीरों को, ये संसद के प्रांगण के बाहर की परिधि की ये तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीरें देखिए बहुत ही एक तरह से, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में ऐसी तस्वीरें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं, इसलिए तस्वीरों को दिखाना। इसके आगे की तस्वीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और बीजेपी के मुख्तार अंसार नकवी की तस्वीर देखिए किस प्रकार से एक दूसरे को खिलखिला कर हंसते हुए यहाँ मुख्तार अंसारी और अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला कुछ इशारा कर रहे हैं या जोक मार रहे हैं तो वही समझ सकते हैं। और ये सेल्फी मोड में इस समय नजर आ रहे हैं। देखिए आप सुप्रिया सुले और चीफ इस समय जो जेल में है पप्पू यादव, ये सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं सुप्रिया सुले। तो ये मतलब ये तस्वीरें वाकई में बहुत कम इस तरह की तस्वीरें मिलती हैं। और आखिरी और इस तरह की नई तस्वीर बता रहा हूँ, ये अमूमन दो दुश्मनों को एक तरह से देखा जाता है यहाँ, मुलायम सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ को, लेकिन यहाँ इन दोनों की तस्वीरें ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि आदमी की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो भले होती, लेकिन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो चेहरे तो बयां कर देते हैं कि आखिर मुस्कुराहट साफ बयां कर देती है। तो ये मुस्कुराहट साफ दिखाती है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के अलावा भी हमारे देश के राजनेताओं में आपस में प्रेम है और प्रेम होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक और विचारधारा एक अलग चीज़ होती है और एक दूसरे के साथ मिलकर कभी मुलाकात हो तो कम से कम मुस्कुराहट के साथ मिले, यही काफ़ी अच्छा होता है और देश के लिए भी अच्छा होगा। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है कमेंट बॉक्स जरूर
लिखें। इस तरह की वीडियो, पॉजिटिव खबरें, सकारात्मक खबरें हम पेश करेंगे, जिससे कम से कम देश में जिस तरह से कोरोना का माहौल है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ सकारात्मक चीज़ें आप तक पहुंचे। बने रहे ऑल न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।